तरफ ग्रिफिन रॉक के बारे में ताजा खबर लेकर आए हैं लस्कीज हे टॉनिक के निर्माता। इस टॉनिक को लगाकर आपको मिलेंगे लहराते बाल। आज एक टाइम कैप्सूल जमीन में गाड़ा जा रहा है जिसमें इस ग्रिफिन रॉक कम्युनिटी के लोगों की मिसाल देने वाली चीजें भरी हुई हैं। इस मौके पर यहाँ रहने वाले सभी लोग और साइंटिस्ट आए हुए हैं और डॉक्टर एल्मा हेंड्रिक्सन भी मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में यह हो रहा है। ये टाइम कैप्सूल तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक 75 साल बाद इसे दोबारा नहीं खोला जाएगा, और तब तक हॉरिस बर्न्स इसकी पहरेदारी करेंगे, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली बार। इस पुरानी न्यूज रील को हम अपने वीडियो में जोड़ देंगे। इस प्रोजेक्ट में हमें ए मिलना पक्का है। ओके कोडी, एक्शन। अब तक 75 साल बीत चुके हैं, कल ग्रिफिन रॉक उस टाइम कैप्सूल को खोद कर निकालेगा जो उसके अंदर क्या है। कट। ब्लेड्स, बॉट्स को कैमरे पर बात करते हुए नहीं दिखा सकते, याद है ना? हाँ सॉरी है, लेकिन मुझे इसका राज जानना है। तो एक्शन। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उस कैप्सूल में क्या डाला गया था, लेकिन उस समय की चीजों को देखकर हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ग्रिफिन रॉक में कितना बदलाव आया। बदलाव? हमें यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग एलियंस को अपनाने को राजी नहीं है। वो हमें गले लगाते ही नहीं। मैं फौरन सबको गले लगाने के लिए तैयार हूँ। गले लगा। सोचना भी मत। अच्छा कट। मेरे ख्याल से हमें यहाँ के लोगों की थोड़ी राय जाननी चाहिए। सही कहा, डैड ने कहा था वो मदद करेंगे। हे डैड, अब इंटरव्यू देने के लिए तैयार है? अभी नहीं बेटे, अभी मैं डॉग के साथ हीरे पसंद कर रहा हूँ, वो भी सीधे फैक्ट्री से। डॉग, इस पुरानी माइन में अभी तक डायमंड्स बचे होंगे? अगर होंगे तो उन्हें मेरा जेमस्टोन डिटेक्टर ढूंढ लेगा। मेरे ख्याल से एंगेजमेंट की रिंग चुनना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एना के लिए कुछ खास बनाओ चीफ, क्योंकि वो इसके लायक भी है। अंगूठियाँ बदलने को लेकर मुझे एक सवाल पूछना है, क्या वो एक तरह की हथकड़ी होती है जिसे इसलिए पहना जाता है ताकि आपका साथी कहीं भाग न जाए? नहीं चेस, वो अंगूठियाँ दो लोगों के बीच प्यार की निशानी होती हैं। शादी सब कुछ बदल देती है। लगता है जैसे आपके पैरों तले जमीन अचानक खिसक गया। सोए थे चार बॉस कहीं पर, 40 सालों बाद नई जगह पर, बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से घरों की रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। जब कोरी है तो फिर किस बात का डर? रेस्क्यू बॉस का ऊंचा होगा सर। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू। रेस्क्यू बॉस। ठीक तो हो ना? यस सर। आप बीम को छोड़ दें, फिर मैं आप दोनों को पकड़ लूंगा। मुझे बीम को छोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मेरे ख्याल से अब नहीं होगी। थैंक्स पार्टनर। तो फिर आज की ये शॉपिंग ट्रिप यहीं पर खत्म करें? अभी नहीं, लगता है डायमंड्स वहां पर हैं। एना के हाथ के लिए थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसे बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल पसंद आएगा। एक और डायमंड? वो रिएक्टलियन की कोई नायाब फॉर्म लगती है। वो कोई जेमस्टोन है? हाँ, असल में उसके अंदर कुछ मेटल्स भी हैं। लगता है रिएक्टलियन की नसें पूरे आइलैंड के नीचे फैली हुई हैं। मैंने इस बारे में कभी सुना नहीं। मैंने इस कैलिबर के सिर्फ एक ही स्पेसिमेन को देखा है, जो हमारे म्यूजियम के एक एंशियंट स्टैचू के डिस्प्ले में लगा था। मैं हमेशा उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा कीमती होता मैं है। समझ गया डॉक। चेस, इसे उठा लो और हमें यहाँ से बाहर ले चलो। ठीक है सर। हमें अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें अंदर जाना है, प्लीज हमें जाने दीजिए। बेसब्र भीड़ और एक परिवार जो उनके तमाम सवालों का जवाब नहीं देता। मैं हूं हक्सली प्रेस्कॉट, और कल पुराना टाइम कैप्सूल जमीन के अंदर से निकाला जाएगा और एक नया डाला जाएगा।
और लोग ये जानना चाहते हैं कि इस नए कैप्सूल के अंदर क्या भरा जाएगा और इसका फैसला करने का मौका सिर्फ चीफ बर्न्स को ही क्यों मिला। प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होने देंगे, हमें अंदर आने दीजिए। आप लोग जरा अपना सामान बाहर ही रखिए, मैं थोड़ी देर में उन्हें देखता हूँ। यहाँ ये तमाशा कब से चल रहा है? घंटों से। फ्रैंकी और मैंने पुराने टाइम कैप्सूल के बारे में लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन सबको तो बस नए कैप्सूल की फिक्र है। मेरे ख्याल से ऐसा इसलिए क्योंकि लोग खुद को याद रखवाना चाहते हैं। हम पीछे क्या छोड़ गए इससे हमारे बारे में काफी पता चलता है। किस चीज को लेकर लोग इतने उतावले हैं? मेरे कैब में तो बहुत सारा सामान है जो 75 साल पुराना है। यानी हम सब टाइम कैप्सूल्स बन चुके हैं। वाओ। ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले के लोगों के मुताबिक कौन सी चीजें दबाने लायक थी। वो आज की जरूरी चीजों से ज्यादा अलग नहीं होंगी, जो उन्हें दिलाती होंगी उनके परिवार, दोस्तों और भविष्य के लिए उम्मीद। चलो कम से कम मेरा परिवार तो इस सब में नहीं फंसा। बिल्कुल डैड, बाहर खड़े उन लोगों को भूल जाइए, क्योंकि मेरा हेलमेट वाकई उस कैप्सूल में जाने के लायक है। डैड, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ तो कैप्सूल में इसे जाना चाहिए। अब प्लीज ना मत कहना। ओ, मेरे हिसाब से कोई ऐसी चीज रहेगी जिसने इस टाउन की मदद की हो, जैसे मेरा टैबलेट। जब भी टाउन की मदद करेगा। मैंने सबसे ज्यादा, शायद हमें बहुत बड़े कैप्सूल की जरूरत पड़ेगी। क्या वहाँ इसके लिए जगह है? मेरा स्कूप क्ला। रख दो इसे, हम इस समाज का हिस्सा नहीं है। तुमने ऐसा क्यों कहा हीटवेव? क्योंकि हमने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, फिर भी यहाँ के लोग हमें बस रेस्क्यू इक्विपमेंट ही समझते हैं। लेकिन फिर भी तुम सबको बचाते रहते हो। ग्रिफिन रॉक पक्का तुम्हारे लिए कुछ तो मायने रखता है ना दोस्तों? तो फिर तुम उसका हिस्सा हुए। उससे बस हम इस फैमिली का हिस्सा है और कुछ नहीं। ये भीड़ नहीं हटेगी, मैं इन्हें भगाने के लिए कुछ करूँ। वो सब जल्दी ही चले जाएंगे, तूफान आने वाला है। काश वुड्रो उसकी चपेट में ना आ जाए। मुझे नहीं पता था कि आपके भाई यहाँ आने वाले हैं। तुम उसे जानते हो ना, कुछ भी ढूंढ निकालने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता। वो अपनी बोट में आ रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि नए कैप्सूल में वो क्या डालना चाहता है। ब्लेड्स, इसे दूर रखो, से मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, तो फिर ये भी उसमें नहीं जाएगा। दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, रिएक्टलीन पर सोनिक बम्बार्डमेंट। कमाल है, वही नतीजे जो पहले टेस्ट में बिजली के साथ आए थे। रिएक्टलीन इतना कंडक्टिव है कि ये जिस एनर्जी सोर्स की तरफ रुख करता है उसी की खूबियां अपना लेता है, हालांकि उसका असर कुछ ही देर तक रहता है। इसका मतलब आपका अंदाजा सही था, है ना डैडी? पक्का कहने से पहले एक और टेस्ट करना होगा मेरी प्यारी बच्ची। तीसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, रिएक्टलीन को मैग्नेटाइज करना। ऐसा लगता है जैसे वो उस तरफ मैग्नेटिकली खींच रहा है, लेकिन किसी मेटल की तरफ नहीं। अरे नहीं, उस तरफ तो शहर है। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। पावर अप एंड एनर्जाइज। तुम लोग मुझे कस के पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया, कसकर। प्लीज इन डिस्प्लेस को हाथ मत लगाना। पता नहीं डॉक ने इस रिएक्टलीन में क्या कर दिया। हमने बस उसे मैग्नेटाइज किया था और इसी वजह से वो उस दूसरी चीज की तरफ खींचा चला गया जिसमें वही प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये स्टैच्यू। जॉइंट सुपर मैग्नेट की तरह। यहाँ आने के लिए थैंक्स, प्लीज गिफ्ट शॉप से बाहर जाइए। तूफान तेज हो रहा है, काश अंकल वुड्रो सही सलामत हो। Oh.
ये क्या है? और एक वाटर बलून फेंको। जानी मैं तुमसे कह रहा हूँ। ये तूफान कब आ गया? मेडे, मेरा जहाज तूफान में फंस गया है और मैं कहाँ हूँ? थैंक यू। अब मैं पर मैं हूँ कहाँ? हेलो, मेरी जान किसने बचाई? मैंने कहा था ना कि तुम उसे बस लाइफ राफ्ट में डाल देते। उतना समय नहीं था। यहाँ जब इसे इंसान नहीं मिलेगा तब हम क्या करेंगे? ये ध्यान में रखते हुए कि ज्यादातर इंसान अपनी अक्ल को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, मैं संभाल लूंगा। वो आ रहा है। हेलो, हेलो, तुम्हें एक बिना इंसान वाले ऑटोमेटेड शिप ने बचाया है। अरे कमाल हो गया, मैंने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना सिवाय उन ऑटोबॉट्स के। हे, तुम साइबरट्रॉन से आए हो ना? नहीं। ऑटोबॉट्स के बारे में तुम कैसे जानते हो? मैं वुड्रो हूँ, ग्रिफिन रॉक के चीफ चार्ली बर्न्स का भाई। मुझे दोस्त समझो। वो वुड्रो बर्न्स जिसके बारे में ऑप्टिमस बात करते हैं, जमीन के नीचे खोज करने वाले। ऑप्टिमस और मैं बिल्कुल ऐसे हैं। ये वाला मैं हूँ। मैं हूँ सैल्वेज, ये है ब्लर और वो है हाई टाइड। इस वक्त हम उसी पर हैं, मतलब उसकी बोट पर। अच्छा हुआ कि हम सही वक्त तक पहुँच गए, वरना आपको ग्रिफिन रॉक पहुँचने में देर हो जाती। हम भी वही जा रहे हैं। पृथ्वी के कल्चर को सीखने के लिए ऑप्टिमस ने हमसे टाइम कैप्सूल सेरेमनी को देखने के लिए कहा है। और जो भी ऑप्टिमस कहते हैं हम करते हैं। ये तूफान तो बढ़ता ही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि चार्ली को पूरा प्रोग्राम कैंसिल ना करना पड़े। तूफान आने वाला है, लेकिन 75 साल पुराने टाइम कैप्सूल को निकालने का काम शुरू ही होने वाला है। हमें अफसोस है कि खराब मौसम की वजह से हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है, तो अब बिना देरी किए रेस्क्यू रोबोट्स शुरू करो। आपने अंगूठी तैयार कर ली ना? मैं सोच रहा था कि ये सेरेमनी खत्म होते ही मैं उसे ये रिंग दूं। और अब देखते हैं कि पुराने समय के लोग हमें अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं। चीफ, आओ इसे तुम ही खोलो। ये क्या है? सिर्फ ये क्रिस्टल निकला? ये क्या? इसके अंदर हमारी कोई सारी चीजें नहीं है। कुछ सारी चीजें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? शायद इस लेटर से कुछ पता चल सके। भविष्य के ग्रिफिन रॉक में रहने वाले प्यारे लोगों, मैं हूँ डॉक्टर एम्मा हेंड्रिक्सन। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने टाइम कैप्सूल से आपका सामान हटा दिया, लेकिन ये क्वांटम क्रिस्टल एक बेहद अहम खोज है और गलत हाथों में जाने पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे यकीन है कि आने वाले कल के साइंटिस्ट इसकी जिम्मेदारी और अच्छी तरह उठा पाएंगे। ओ, ये सब क्या है? चीफ बर्न्स, उम्मीद है कि नए कैप्सूल के लिए तुमने जो चीजें चुनी होंगी वो ऐसी फालतू नहीं होंगी। स्कूप क्लॉ, ऐसे ही कह रहा हूँ। गलत हाथों में? तुम्हारे हिसाब से उन्हें किसका डर होगा? क्वांटम क्रिस्टल के सिर्फ एक छोटे से टुकड़े ने डैडी के टेलीपोर्टेशन डिवाइस को ऑन कर दिया था। याद है उसका नतीजा क्या हुआ था? हमें अपने अंदर बैठाकर MHQ ने पूरे शहर पर हमला कर दिया था। अगर इस बड़े क्रिस्टल में भी वही खूबियां हैं, तो ये शहर के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या हम आइलैंड को खाली करवा दें? उसकी अभी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इस इलाके को जल्दी ही खाली करा देना चाहिए। आप सब घर जाइए, यहाँ और कुछ नहीं होने वाला है। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी बोट पर चला जाऊँ। इसका मतलब क्या हो सकता है? अभी मैं चलता हूँ। प्लीज दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत।
वाह, वो रहा मेरा होम टाउन। वापस आकर बहुत खुशी होती है। पर मुझे उसकी याद नहीं आती। पर कभी कभी सोचता हूँ कोडी कैसा होगा। लगता है इस तूफान का मूड और खराब होने वाला है। इस क्रिस्टल से निकलने वाली वेव्स के बारे में कुछ पता नहीं है। डॉक्टर हेंड्रिक्सन ने सही कहा था, ये वाकई काफी दमदार चीज है। हमें इसे अंदर ले जाना होगा। अगर इस पर बिजली गिर पड़ी तो इससे टेलीपोर्टेशन शुरू हो सकता है। फिलहाल इसे वापस वही रख देते हैं जहां हमें ये मिला था। वॉट्स, रिएक्टलीन गड़बड़ हो गई। को कॉल करता हूँ। सच में, क्या कोई मुझे बताएगा ग्रिफिन रॉक कहाँ चला गया? उस बारे में हम बाद में सोचेंगे, फिलहाल हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। डैडी! मैं यही हूँ फ्रांसीन। बर्फीली हवा से उन्हें बचाओ। ये बर्फीला तूफान आया कहाँ से? पहले ये सोचो हम कहाँ आ गए। मैग्नेटिक नॉर्थ। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन ग्रिफिन रॉक आर्कटिक में टेलीपोर्ट हो गया है। जरूर क्वांटम क्रिस्टल की खूबियों को ग्रिफिन रॉक के नीचे फैली रिएक्टलिन की नसों ने सोख लिया होगा और उसने पूरे आइलैंड को एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस बना दिया। अच्छा, लेकिन क्या हम इसे रिवर्स करके वापस घर जा सकते? वो क्रिस्टल तो टूट चुका है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बर्फ में उड़ना नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ सीखना अच्छा लगेगा। हमें फौरन लोगों को इस आइलैंड से निकालना होगा। पर कहाँ? मुझे नहीं लगता कि इस हालात से निपटने के लिए आइलैंड खाली कराने का कोई प्लान तैयार है, और उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। हमें कुछ तो करना होगा। इतनी ठंड में ज्यादा समय तक कोई जिंदा नहीं बचेगा। हम डोम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस बर्फीले तूफान को दूर रखेगा। उसके लिए हमारे पास इतनी पावर है डॉक। कुछ समय के लिए तो है, लेकिन पहले 4 डोम जनरेटर्स पर से बर्फ को हटाना होगा। मुझे ये आइडिया सही लगता है। रेस्क्यू बोट्स, बचाव के लिए तैयार। ने काम कर दिया। उम्मीद करते हैं कि बर्फ हटाने वाली उनकी फोम जनरेटर्स पर काम करेगी।
पावर अप और एनर्जाइज। डैड, डोम उठने के बाद हमें क्या करना होगा? हम अब भी यहीं फंसे हुए हैं। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। ग्रिफिन रॉक पर हर पीढ़ी में एक बात हमेशा कायम रहती है, हम हार नहीं मानते। जनरेटर्स तैयार हो गए हैं, तो शुरू करते हैं। शुक्र है, मुझे लगा मेरी कपकपी कभी नहीं रुकेगी। बर्फ पिघलने से पहले हम सर्दियों की कुछ मस्ती का मजा उठाएं, जैसे बर्फ से मारामारी। शायद इसका मतलब है हाँ। पता नहीं ये डोम कितने समय तक ऊपर रहेगा। मुझे पता है ये कुछ समय के लिए है, लेकिन कभी कभी हमें सारी चिंताओं को छोड़कर मौजूदा हालात का मजा लेना चाहिए। सही कहा तुमने। तो अब चलें। डैडी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डोम हमारी एनर्जी सप्लाईज को मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी खर्च कर रहा है, और क्योंकि बाहर बर्फीला तूफान अब भी जोरों पर है, हमें फौरन कोई दूसरा प्लान बनाना पड़ेगा।